संलग्न। तो वहीं छिंदवाड़ा में 5 दिवसीय दौरे पर सांसद कमलनाथ आए। इस मौके पर सांसद कमलनाथ ने आम जनता से मुलाकात की और इन सब के बीच 5 दिन के दौरे पर आए सांसद कमलनाथ कई आयोजनों में हिस्सा लेंगे। इसी क्रम में आज सांसद कमलनाथ ने अपने गृह निवास पर आम जनता से मुलाकात की। वहीं परासिया के विधायक के सोहन वाल्मीकि बंद हो रही खदानों को लेकर सांसद से चर्चा उन्होंने की, जहां विधायक के सोहन वाल्मीकि ने बताया कि खदान बचाने के लिए जिनका सहयोग मिल रहा है। की गलत नीतियों के कारण पूरे कोलिंडे की 272 खदानें बंद हो गई है और हमारे लिए पेंच और कनान क्षेत्र के भी 5 खदानें बंद करने का आदेश आ गया, जिसमें 3 खदानें बंद हुई और 2 खदानें बंद 31 मार्च को बंद कर दी जाएगी, मौरी और विष्णु नंबर 2। इसके विरोध में हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया और संयुक्त मोर्चा के माध्यम से लगातार हम लोगों ने प्रदर्शन किया। हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जनार्द, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रमुआ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया के द्वारा भी हमने पैदल मार्च किया, मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, एक जन आंदोलन का रूप हमने इसको बनाया और संयुक्त मोर्चा जो सारी 5 सभी संगठन है उनके माध्यम से दबाव बनाया गया और दबाव बनाने के बाद में निरंतर हम लोगों ने कोशिश की, प्रयास की, तो अब जाके कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे आंदोलन और संयुक्त मोर्चा के आंदोलन के कारण झुकी और उन्होंने पुनः आदेश दिया कि जो खदानें बंद करने का आदेश आया था उन्हें पुनः प्रारंभ की जाएगी, विष्णुपुरी 2 और मौरी खदान को। रतलाम के सांसद नंद कुमार सिंह ने प्रदेश में चल रहे गुंडा अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुंडे के नाम पर आम आदमियों को परेशान किया जा रहा है जबकि असली गुंडे घूम रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में महिला कानून व्यवस्था पर कहा कि प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं और महिला